परशुराम एक ऐसा ब्राह्मण जो 13 लाख सालों से जीवित है, जिसने 2 युगों को अपने सामने खत्म होते हुए देखा है। आज भी ये हमारे धरती पर जीवित अवस्था में है। परशुराम एक ऐसे साधु थे जिन्होंने अपने क्रोध में समस्त क्षत्रिय जाति को समाप्त कर दिया था धरती से, जिन्होंने खुद अपने हाथों से अपनी माँ का सर धर से अलग कर दिया, जिनके फरसे के वार से श्री गणेश ने अपना एक दांत खो दिया जिससे वो एक दंत कहलाए, जिनके सामने श्री राम भी नतमस्तक हुए और भगवान श्री कृष्ण भी। भागवत और कल्कि पुराण के अनुसार ये भगवान कल्कि को शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा देंगे और उनके गुरु कहलाएंगे। तो आज हम इस रहस्यमयी व्यक्ति के बारे में जानेंगे। परशुराम 8 चिरंजीवियों में से एक हैं जो कई लाख वर्षों से जीवित हैं। इनका जन्म विष्णु पुराण के अनुसार सतयुग के अंत में और त्रेता युग के प्रारंभ में माना जाता है। ये भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। भगवान परशुराम का जन्म ब्राह्मण जमेदगिनी और रेणुका के यहाँ आधुनिक मध्य प्रदेश की जनपाव पर्वत पर हुआ था। वो बचपन में ही शस्त्र और शास्त्र विद्या में पारंगत हो गए थे। एक ब्राह्मण होते हुए भी उनकी रुचि क्षत्रियों के भांति युद्ध विद्या में थी, जिसके लिए उन्होंने भगवान शिव की कड़ी तपस्या की और भगवान शिव से कई शस्त्रों का वरदान लिया। भगवान शिव ने उन्हें फरसा दिया जिसके कारण उनका नाम परशुराम पड़ा और वरदान में उन्हें शिव धनुष भी मिला, जिसको परशुराम जी ने राजा जनक को रक्षा के लिए दिया था, जिसे श्रीराम ने स्वयंवर में तोड़ के माँ सीता से विवाह किया था। द्वापर युग में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और महारथी कर्ण इनके शिष्य रहे थे। परशुराम जी को मातृहंता भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी माँ का सर काट दिया था। एक बार परशुराम जी की माता रेणुका नदी में पानी भरने गई थी। वहाँ गंधर्व चित्ररथ अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे, जिनको रेणुका देखने लगी, जिससे जमदग्नि क्रोधित हो गए और परशुराम के अन्य 4 भाइयों को एक एक करके आदेश दिए कि वो अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दें। लेकिन मातृ मोह में 4 भाइयों ने अपनी माँ का वध नहीं किया, जिससे जमदग्नि क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दे दिया कि वो मति से भ्रमित हो जाएंगे। अंत में परशुराम जी को जमदग्नि ने आदेश दिया कि वो अपनी माँ की हत्या करें। अपने पिता का आदेश मानते हुए परशुराम जी ने अपनी माता का सर काट दिया, जिसके बाद जमदग्नि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें 3 वरदान मांगने को बोला। परशुराम जी ने अपने वरदान में अपनी माता को जीवित करने को बोला और अपने भाइयों को ठीक करने को, और अंत में भाई और माता ये सारी स्मृति भूल जाएं जो कुछ भी हुआ है, ये मांगा। इतना ही नहीं, भगवान परशुराम ने धरती पर 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया था। एक बार सहस्त्रबाहु नाम का एक राजा शिकार करने निकला और भटकते हुए अपनी सेनाओं के साथ जमदग्नि के आश्रम पहुंच गया। जमदग्नि ने अत्यंत आदर भाव से उसका सत्कार किया। जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी जो कि इंद्र ने उन्हें दी थी, जिनके दूध से सहस्त्रबाहु और उनके सैनिकों की भूख मिट गई। सहस्त्रबाहु की नज़र इस चमत्कारी कामधेनु गाय पर थी। उसने बलपूर्वक ऋषि जमदग्नि से कामधेनु को छीन लिया। जब ये बात परशुराम जी को पता चली कि उनके पिता का अपमान हुआ है, तो वो क्रोध में सहस्त्रबाहु से युद्ध करने निकल पड़े। युद्ध में सहस्त्रबाहु का वध कर भगवान परशुराम कामधेनु को वापस लाए, परंतु सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने प्रतिशोध में आके परशुराम जी के पिता जमदग्नि की हत्या कर दी, जिसके कारण परशुराम जी की माता विचलित होकर अपने पति के साथ ही चिता पे सती हो गई। जब ये दृश्य परशुराम जी ने देखा तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि समस्त क्षत्रिय जाति का वो विनाश कर देंगे, और उन्होंने सभी क्षत्रियों का विनाश कर दिया। जो माता के गर्भ में भी शिशु रहते थे उनको भी परशुराम जी अपने तप से मार देते थे। सहस्त्रबाहु के पुत्र और पौत्रों के रक्त से परशुराम जी ने 5 सरोवरों को भर दिया था और उस रक्त से अपने पिता का श्राद्ध किया। ये विनाश उनका कई 1000 सालों तक चलता रहा। अंत में उन्हें महर्षि ऋचिक ने रोका और उनके क्रोध को शांत किया, जिसके बाद परशुराम जी ने अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया और महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए, जो आज के समय में उड़ीसा में स्थित है।
पौराणिक ग्रंथों के अनुसार आज भी परशुराम जी यहाँ तपस्या में लीन हैं और भगवान कल्कि के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं।